हाय गाइस, मैं हूं पवन झागलो और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। और हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा प्लान जो आपने हमारा थंबनेल देखा होगा 30x35 का, और जो बहुत ही बेहतरीन प्लान है 30x35 फिट में मैंने डिज़ाइन किया। हालांकि इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर ही डिज़ाइन किया है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर ये मॉडल हमने डिज़ाइन किया 30x35 का, जिसमें आपको 3 बेडरूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम और आपका स्टेयर से सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे स्मॉल हाउस प्लान चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देख सकें। और आपसे एक गुजारिश मैं और करना चाहूँगा, अगर कोई भी आप मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका उस मॉडल को डिज़ाइन करेंगे। चलो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, 30x35 फिट में कैसे मकान डिज़ाइन करते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ले कर आया हूँ स्क्रीन पर अपने लैपटॉप पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30x35 फिट में ये मॉडल आपको कितना बेहतरीन से दिख रहा है। फ्रंट व्यू ये है इसका, सामने से ये देख सकते हो ये, और ये रेलिंग है ऊपर, सिर्फ मैंने ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया, 3 साइड क्लोज्ड हाउस है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा के तरीके से हम इसको पहले ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको किसी मॉडल को ट्रांसपेरेंट करता हूं। तो ये देखिए, जब ट्रांसपेरेंट करते हैं आप मॉडल को तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें दिखती हैं। ये ट्रांसपेरेंसी में दोस्तों मॉडल दिखता है आपको ऐसा। अब हम इसको ले चलते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। जैसे आप इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हैं तो ये मॉडल आपका पूरा ऐसा दिखने वाला होता है। तो ये आपका पूरा ओरिजिनल मॉडल है, जो कि मैंने ट्रांसपेरेंसी की हटा दी है, जीरो कर दी है, और ये आप पूरा देख पा रहे होंगे। तो फ्रंट की बात करें सामने की, तो ये तो इसका फ्रंट है, ये इसका मेन डोर है, ये ऊपर से डिजाइनिंग का कुछ पार्ट दिया है मैंने। ये विंडो एक है, एक ये विंडो है, और ये एक डिजाइनिंग का पार्ट है, ऊपर से रेलिंग है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले जो मिलता है यहाँ पर, ये देखिएगा स्टेयर्स, सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिलती है, ऊपर से जाएगा एल साइज रोटेट हो जाएगा, और उसी के ये पूरा एरिया में आपका लेटरिन और बाथरूम मैंने बड़ा सा कमेंट किया है। लेटरिन बाथरूम दोस्तों फ्रंट में, और स्टेयर्स को फ्रंट में देने का रीज़न ये होता है कि आपका मकान बिल्कुल सेपरेट रहेगा, पीछे कोई भी गेस्ट आए या कुछ भी आप काम करवाना चाहें ऊपर कभी भी, तो बहुत ही आसानी से आपका लेबर वगैरह या आपका कोई गेस्ट आता है तो आसानी से ऊपर से ही चला जाए, यहाँ बाहर से ही ऊपर निकल जाएगा। और ये आपका लेटरिन बाथरूम है जो आपका बिल्कुल बाहर, मैंने इसलिए दिया कि इसको कोई भी बंदा यूज़ करे। अब हम बात करें साइड की, तो साइड में आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है, ये बड़ा सा देखिएगा, इसलिए ये मैंने डोर दिया, ये विंडो दिया, ये आपका गेस्ट रूम है जिसमें सोफ़ा वगैरह टीवी वगैरह आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ये रूम मिलता है बेडरूम, जिसके लिए डोर है, ये विंडो, बड़ा सा ये आपका बेडरूम है, पीछे ये आपका, अगर आप चाहें तो कंबाइंड लेटरिन बाथरूम अपने रूम के लिए क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अन्यथा आप इसको अपना स्टोर रूम एज आप पूजा घर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो ये तो इस तरफ की बात होगी। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका दोस्तों किचन है, काफ़ी बड़ा सा किचन मैंने डिज़ाइन किया है, ये आपका किचन के एरिया है, और ये आपका एक और बेडरूम है बड़ा सा, पीछे आपका फिर से वही, आप चाहें लेटरिन बाथरूम बनवा सकते हैं या चाहें आप पूजा घर या स्टोर रूम, दो में से कोई एक क्रिएट करवा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है जो स्पेस मैंने दिया है। और चाहें तो वेंटिलेशन के लिए जगह को प्रॉपर तरीके से ऊपर से छोड़ भी सकते हैं, इसमें वेंटिलेशन की और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि घर जो 30x35 फुट होता है काफ़ी लेंदी घर होता है। ये भी एक बेडरूम है, ये बेडरूम, ये 3 बेडरूम आपको मिल जाते हैं, ये आपका लेटरिन बाथरूम है, यहाँ पर स्टेयर्स है, ये आपका दोस्तों किचन है। तो ये पूरा मॉडल जो मैंने डिस्कस किया, अगर हम लास्ट के फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चारों तरफ बाउंड्री दे दी है और क्लोज्ड कर दिया है, और ये आपका रेलिंग का पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो डिजाइनिंग का पार्ट है, ये रेलिंग का पार्ट है। तो ये पूरा 30x35 फिट में दोस्तों घर को मैंने डिज़ाइन किया है, कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर करें, और अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बताएँ। तो दोस्तों मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, रिलेशन और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।